नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों के राज्यपाल श्री, अलग अलग राज्यों में मौजूद मुख्यमंत्री साथी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्य, राज्यों के मंत्री, सांसद गण, विधायक गण, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे परिवारजनों, देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है, यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1,11,00,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं। ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है जो दूसरे शहर में कुछ घंटों का काम खत्म करके उसी दिन लौट आना चाहते हैं। वंदे भारत ट्रेनों ने पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी ला दी है। जिन जगहों तक
वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है, इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। मेरे परिवारजनों, भारत में आज जो उत्साह और आत्मविश्वास का वातावरण बना है वैसा पिछले कई दशकों में नहीं बना था। आज हर भारतवासी अपने नए भारत की उपलब्धियों से गौरवान्वित है।